नहीं, सर बाप से बात करेगा, रेस्टोरेंट बेटे से क्या बात करूं, वो छोड़ो मेरे को, बेटा क्या करता है नहीं आपका? रेस्टोरेंट में बैठता यार, सुबह वो बैठता, शाम को मैं 6 बजे जाता हूँ, फिर रात को 1-1.5 बजे आता हूँ, वो 9-10 बजे आ जाता है। काम वाम नहीं करता, पढ़ा लिखा नहीं करता है? यार जिसका रेस्टोरेंट हो, जिसके नीचे 35 बंदे काम नीचे करते हो, तो उसको किसी के पास काम करने की क्या जरूरत है? हम खानदानी बिजनेस पढ़ाई खोल लिखाई लो, करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, तो पढ़ाई एजुकेटेड लिखाई बनेगा, कर ग्रेजुएशन लिया है ना, पढ़ाई लिखाई कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया है, बस बड़ी है। कर लिया, रेस्टोरेंट में बिठा दिया। वाह नहीं रंजन साहब, और आपके जो बाकी परिवार वाले को कॉल गया है, किसी ने कॉल नहीं किया आपको? मेरे को किसी ने नहीं किया, किसको किया आपने? ये आपके पूरा फैमिली का लिस्ट है सर सामने। हाँ तो फोन किसको किया? नहीं सर ये आपने जो जो रेफरेंस नंबर दिया आपका हमें, नाम उनके तो बेटे बताओ। का, बेटे का हो गया, ये रोनीत कौन है, असुराज, इन सबको सर पिछले कई दिनों से कॉल जा रहे हैं सर, क्या तो यार कर फिर रहे हो क्या सर? क्या जवाब ये लोग सोए दूंगे? हैं, ये लोग सोए हैं कि आप सोए हो, मतलब ये आपको बता नहीं रहे हैं, या आप ये इन्होंने आपको बता दिया बट आप ये क्या बोलते, इग्नोर कर रहे हो? नहीं मेरे को किसी ने नहीं बताया। मतलब सर वो लोग सोए हुए हैं, आपको बताया नहीं रहे। ठीक है रंजन बताया जी, वो किसी को छोड़िए, मुझे फोन वो करने से बोलिए, पैसा नहीं थोड़ी मिलता, ये तो तुम लोगों की बेवकूफी है मिलता है ना। सर, वो तो मैं भी जानता हूँ। अभी लोन मैंने लिया है, मेरे भाई को फोन करोगे, थोड़ी हाँ ना दूंगा मैं, नहीं वो दूंगा, आगे से खुद फिर ना फोन करो। दो चार गाली निकालेगा आगे से। तो वही तो रहता है ना सर ऐसा। अभी एक सबसे पहले तो मुझे वो, आप ये जो बोल रहे हो ना, वो झूठ बोल रहे हो मेरे को लग रहा है, क्या पका रहे चलो हो सर, सरासर झूठ बोल रहे हो। रेस्टोरेंट है ये, रेस्टोरेंट होगा पता है ये, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, परीक्षा कर देगा। ऐसे करो, चलो ऐसे करो, इस बात पे आ जाओ। अगर मेरा रेस्टोरेंट हुआ ठीक है, तुम कह रहे हो ना नहीं है, तो तुम मैं आपका पैसे छोड़ रेस्टोरेंट देना। हुआ ना सर, रेस्टोरेंट हुआ ना, कभी ना कभी अमृतसर में आके आपके विस्की के बारे में मैं बैठूंगा हाँ बस। कहाँ 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 के रहने वाले हो? दिल्ली के? नहीं, दिल्ली का नहीं है सर, मैं आउट साइड का हूँ सर, सर कहाँ? आउट साइड का हूँ, आउट साइड का तो इतनी दूर से आप मतलब अमृतसर कैसे आ मुंबई, जाओगे? मुंबई 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 जो है ना, मुंबई से थोड़ा आगे हमारा ऑफिस हाँ तो इतनी दूर से भाई साहब अमृतसर क्या लेने आओगे, 2-2.5 हजार किलोमीटर चल के? अरे अरे घूमने फिरने का बहुत शौक पाल के रखे हमने, लॉकडाउन के वजह से रुक के बैठे हैं। हम पंजाबी लोगों को यार घूमने फिरने का शौक बिल्कुल नहीं होता, ये क्या बात है? हम आलसी कौम है, हम घर में बैठ के खुश रहते हैं। नहीं सर, अरे ऐसा मत बोलो सर, बुरा बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। नहीं, पंजाबी जो होता है, पंजाबी आलसी होता है, वो घूम फिर के ज्यादा खुश नहीं होता, वो बस खाने पीने का शौकीन होता है, दारू पी, चिकन अरे खाना। अभी मेरे दोस्त हैं पंजाबी, अमृतसर का है, बठिंडा का है, एक हाँ तो गोल्डन टेम्पल के आसपास ही रहता है मेरा दोस्त, हाँ इतने सारे दोस्त हैं, कभी मिलते हैं तो हमने घूमने फिरने जाते हैं सर, क्या झूठ बोल रहे हो सर? वो घूमने फिरने हम यहीं पास में ही जाते हैं ना, यहाँ ये पालमपुर चले गए, डपरे अमृतसर के पास डलहौजी चले गए, अपना इधर उधर चले गए, बस पास पास, बॉम्बे बॉम्बे इतनी दूर नहीं जाते हम, दो तीन कन्याकुमारी किलो तक जाके आ चुका हूँ सर मैं मेरे दोस्तों के साथ। नहीं सर, हर एक बंदा आपके साथ नहीं होता। अभी आपका, आप आलसी हो, आपका जी। रेस्टोरेंट है सर, घर से जाते रहोगे गाड़ी पे, बात खत्म। सही उनका रुक जाए तो बोल बेटा कहते जाना है नहीं। रहा हेलो, चलो हाँ जी रंजन साहब पेमेंट कर दो सर, अभी क्या कल परसों रुक रहे हो, मेरे को नहीं रखना है, मेरे को रखना ही नहीं है सर फाइल, मतलब इतना काम आ चुका है ना सर, थक गए हूँ सर। आप अभी आपके फाइल के लिए आप रुकाओगे मुझे कल तक, फिर और कुछ होगा, नहीं जाता हूँ ना सर मैं, ये सब मुझे पसंद ही नहीं है सर। एक बार बात खत्म कर देना, पेमेंट हो जाएगा, टेंशन ही नहीं होगा सर। रुको, 1 घंटा क्या रुको, फिर क्या 1 घंटा रुको, फिर 6:30 तक रुको। 1 घंटा? अभी 1 घंटा बोलोगे रंजन साहब, कॉल ही बंद कर दोगे, मैं लिखता हूँ ना, मोबाइल ही बंद कर दोगे आप, गारंटी नहीं दो? यार 5 बजे तो मैंने इसका स्विच खोला है और 5:30 बंद कर दूंगा, अभी तो मेरा काम शुरू हुआ है। अरे रंजन सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इतना बिजी हो जाओगे ना अभी, आप या तो फोन नहीं उठाओगे मेरा, या तो कॉल ही बंद कर देंगे सर। आपने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि आप आलसी यार हो, मालूम, आप आपके यहाँ पड़ रही है गर्मी, आपके यहाँ गर्मी है ना, सर्दी तो नहीं है ना? मेरे यहाँ पे सर्दी है सर। यार मुंबई में सर्दी कहाँ पड़ रही है? अच्छा पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है,
कौन बोला सर, मुंबई में इंसान नहीं रहते है क्या? इंसान रहते हैं लेकिन वहाँ 12 महीने 30 दिन गर्मी रहती है यार, सर्दी कहाँ पड़ती है? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सर, मुंबई के बारे में गलत अफवाह सुनिए, मुंबई में भी सेम चल रहा है जो आपके यहाँ पे चल रहा है। ये बात अलग है कि यूपी और पंजाब से ज्यादा कम सर्दी होती है। और नहीं, आपके यहाँ एक आधा स्वेटर डलता, हमारे यहाँ इस समय 4-4 स्वेटर डल रहे हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर है आज। तो बाहर कैसे जाओगे सर? यार जितनी ज्यादा सर्दी होगी उतने पीने पिलाने वाले ज्यादा आएंगे, उतनी कमाई ज्यादा होगी। अरे अभी पीते हो? अरे यार जो काम होगा वो काम इंसान करेगा ही। अरे वो काम कर रहे हो तो सर, तो ये लोन के चक्कर में क्यों पड़े हो सर? किस बात का मजा ले रहे हो तो बताओ मेरे को। तो बस यही आप लोगों का कालकुल आ जाता है, जरा मजा मुझे आ जाता है, बस इसीलिए लोन लिया, और नहीं तो 2-4-5 हजार की क्या समझ। परिवार साथ में नहीं रहता है क्या आपके? नहीं, परिवार साथ में रहता है, परिवार 2 बीवियां हैं मेरी। तो सर परिवार साथ में रहता है, इच्छा रहता है, कंपनी का मजा ले रहे हो? 2 शादियां की है मैंने, 2 बीवियां हैं मेरी, दोनों में से बच्चे हैं, एक में से 2 है, एक में से 3 है। सर अभी हमसे एक नहीं संभाली जा रही, आप दो दो। फिर आप भी कोई पैसे कमाने वाला काम करो ना, क्या यहाँ पे 10-12 हजार में काम कर रहे हो, तो यहाँ एक कैसे संभाली जाएगी 10-12 हजार में। अरे सर हम भी यहाँ पे मजे के लिए काम पे आते हैं सर, बस बस हम हमारा भी फैमिली है सर। अभी मुझे इतना बोलिए ना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, इसमें सुन लिया ना काम फिर से निकाल देंगे। अच्छा, नहीं निकाल, मेरी बात करा देंगे जो निकाल। आपसे बात करने के लिए अच्छा लग रहा है इसीलिए बात कर रहा हूँ, वरना हमारा स्टार्टिंग क्या रखी। कोई और एम्प्लॉय से बात नहीं किया क्या आपने कभी? हमारे किसी अधिकारी से और बात नहीं किया है? बड़ों से बात, बड़े अधिकारियों से बात की है, बड़ों की गांड भी फड़वा के, पर मेरे जैसा बात करता है? नहीं, तो जिन जिन्होंने बात की है वो गांड भी फड़वा के बैठे हैं ना मेरे से, इसलिए आपको नंबर दिया अच्छे आदमी को भी, जिसने गाली गलोच किया फिर उसने आपको, तो आपके दोस्त है पंजाब के, आपके तो मालूम होता है पंजाब की गाली कैसे होती है। अरे सर गाली बिली क्या है ये सब, पंजाबी आदमी जॉली होता है। हाँ इन्होंने गालियां दी थी ना रिफिलो वालों ने, तो आगे से फिर मेरे से भी इन्होंने फिर अच्छे श्लोक शिलाप सुने थे, इसीलिए आपको दिया कि चलो आप गाली गलोच करने वाले नहीं हो, प्यार से बात करो। अगर अपना व्हाट्सएप नंबर दो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको, आपके बंदों की। सर मेरे पास ना कैसा, मैं ये सब रखता ही नहीं हूँ, सही बोलो तो मैं सब रखता ही नहीं हूँ। हो गया कस्टमर पेमेंट करेगा, देखो दो चीज होती है, एक तो नियत है या फिर एक तो नियत नहीं है और पैसा भी नहीं है। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि एक गाली से पैसे नहीं मिलते और एक कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन करने से पैसे नहीं मिलते, हमारा भी देखो काम है, प्यार से पैसा मिलता है। जब गाली दोगे तो पैसा डूब जाएगा, फिर आदमी कपड़े उतार देगा, नंगा हो जाएगा, बोलेगा जा यार जो करना कर ला। हम लोगों के पास तो वैसे ही कुछ नहीं होता, ना कोई चेक होता है ना कोई कुछ होता है डॉक्यूमेंट, तो हम क्या कर सकते हैं उसका, लीगल में तो कुछ नहीं ना कर सकते। हम भी जैसे लोगों को पैसे देते हैं ब्याज पे, तो जबानी कलामी देते हैं, दे दो यार 10,500 दे दूंगा। सर हाँ जी हाँ जी, किसी ने डुबाया आपका पैसा अभी तक? ना हमने कभी गाली गलोच किया ही नहीं किसी के साथ, तो डूबेगा कैसे? नहीं गाली गलोच नहीं, चलो लेट किया है किसी ने आज तक? लेट सवेर तो होता ही रहता है, व्यापार है बिजनेस है उसको जान से थोड़ी। अब कोरोना आ गया था तो 3 महीने किसी ने पैसा नहीं दिया, तो अब हमको नहीं मालूम कि कोई काम पे ही नहीं गया तो पैसा कहाँ से देगा। फिर हमने उनकी जिनके जिन्होंने पैसे लिए थे हमने उनकी हेल्प भी की, उनको 2-2, 3-3 हजार रुपया भी दिया, और उन जिन जिन दौर में कोरोना रहा 3 महीने का ब्याज भी छोड़ा। इंसान को नजर आता है ना कि आदमी के पास पैसा होगा तो हम उससे लेंगे ना। एक आदमी है वो खाने को रोटी नहीं है, उसको जाके डिमांड करेंगे हमारा इंटरेस्ट दे या उसको बोलेंगे हमारा पैसा दे, तो वो आदमी कहाँ से देगा? पहले तो आप खाना खाओगे ना अपनी बीवी को बच्चों को खाना, फिर उसके बाद ही आलतू फालतू के खर्च करोगे ना। बराबर है। हाँ क्या कर सकते हैं सर, देखिए इंसान इंसान को समझेगा ना, कोई कंपनी को नहीं समझेगी। हाँ, ये चुतिया कंपनी इसलिए अपने पैसे डुबो देती है। मेरे को अपने पास रख के देखो, एक भी आदमी का पैसा नहीं डूबेगा आपका, एक भी आदमी का नहीं डूबेगा। आप मेरे को केस ही वो दो जो आप लोगों को पैसे नहीं देता, देखना मैं पैसे कैसे निकलवाता हूँ। कोई गाली नहीं बकूंगा, कोई कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन नहीं करूंगा। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उससे पैसा निकलवा, एक नंबर लो। चलो बोलो बोलो नंबर बोलो। 9914 एक मिनट 9914 1 4
1 1 2 1 2 3 1 3 1 ये तो मेरा ही बोल रहे हो। भाभी से पैसा निकलवाना है सर। मेरे से निकलवाना है तो मेरे से निकलवाना है तो मेरे मुताबिक चलो फिर मिल जाएगा। नहीं नहीं सर, चलने के लिए सर कैसे क्या कैसे है कि हर एक बंदा खुद में महाराजा होता है। आप अपने हो, हम अपने हैं। हाँ हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात की, ये बहुत बढ़िया बात की। मैं ये बात आपकी मेरे को बहुत जची। हर आदमी अपने में, चाहे वो रिक्शे चलाने वाले क्यों ना हो यार, जब वो शाम को एक पौवा चढ़ाता है ना तो वो अपने आप को मोदी से ऊपर गिनता है। तो है सर, हर एक बंदा है अपने में, अपने में वो महाराजा होता है। बिल्कुल सही, ये बात तुमने लाख टके की बोली है। बंदा भी क्या सर, जमा से निकल जाती है, बढ़िया लगे।